दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं जंगल में। क्या नाम है इस जंगल का? हम आए हैं दंतेवाड़ा के मरकाना फॉरेस्ट में, कुछ स्पेशल चीज़ की तलाश में आए हैं। बिल्कुल, आपको हम ज़रूर बीच बीच में बताते हुए चलेंगे कि हमें क्या क्या उसके अलावा और नज़र आया है, और जिस चीज़ की हम तलाश में आए हैं उसे अगर मिल जाए तो हम ज़रूर दिखाते हैं। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं और जंगल में उसे ढूंढते हैं। दोस्तों हम जंगल में आ चुके हैं दंतेवाड़ा के, और आप अभी देख रहे हैं इसका टॉप व्यू। बहुत ही शानदार और बहुत ही घना ये जंगल है। दोस्तों एक ज़माने में ये साल के वृक्षों से भरा हुआ था ये जंगल, और बांस भी यहाँ खूब थे, लेकिन उनके कट जाने के बाद जो है आर्टिफिशियली यहाँ पे दूसरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अभी आपको सागवन और दूसरे पेड़ पौधे जो है यहाँ दिख रहे होंगे, और यहीं हम तलाश करने वाले हैं अपने उस खास जीव की। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत मेहनत करनी हुई हमको। शानदार दंतेवाड़ा के जंगलों का ये दृश्य। तो दोस्तों अभी हम चल ही रहे थे कि हमें एक नेस्ट दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आई गेस किसी ड्रोंगो का हो सकता है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि अभी इसमें तो कोई बर्ड नहीं है, ना कि उनका अंडा है, तो ये शायद वो इस नेस्ट को छोड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ देखते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग अगर मिल जाए तो आपको हम ज़रूर दिखाएँ, तो बने रहिए। दोस्तों जिस सांप की तलाश में हम निकले हैं, यही इसी प्रकार का हैबिटेट जो है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। आप देखिए यहाँ पेड़ का जो मतलब जो ढंग है निकलने का, और इसकी डालियों के निकलने का जो ढंग है, यहाँ कनेक्टेड दिख रहे होंगे आपको पेड़, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में पहुँचने में बड़ी ही आसानी होती है उस सांप को। फॉस्टन्स कैट स्नेक जिसका नाम है। तो आप देखिए एक छोटे से बेल से या पेड़ से वो बड़े पेड़ तक कैसे पहुँच सकता है, इसी प्रकार के हैबिटेट में वो रहना पसंद करते हैं। दोस्तों हमने काफी जंगल में तो देख लिया, सांप तो नहीं मिला, तो हम आए इस नदी के किनारे। हो सकता है हमें कुछ यहाँ पे सांप दिख जाए, क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज है या प्लांट जो भी हैं वो मीडियम हाइट के हैं। और क्या हो सकता है कि जो पानी की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है स्नेक्स की। चलिए देखते हैं। दोस्तों इलाका आप देखिए, बहुत शानदार इलाका है। पानी यहाँ पे है, जंगल यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे कई प्रकार के जीव हो सकते हैं, इसीलिए हम अल्टीमेटली हम यहाँ आए हैं अपने सांप को ढूंढने के लिए। देखिए देखिए कितना शानदार यह इलाका है, और उम्मीद है हम जिस सांप को ढूंढ रहे हैं वो हमें यहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों
सब बहुत थक गए हैं, हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी तक हमको वो सांप दिखा नहीं है। लेकिन यही वो मौसम है, यही टेम्परेचर है, यही टाइम है, इसी मौसम में हम उसको ढूंढ सकते हैं, तो तलाश जारी रहेगी। दोस्तों अभी आपने फ्लोरा देखा, और अगर फौना की बात की जाए कि कौन कौन से जीव जंतु यहाँ मिलते हैं, तो हमारे दंतेवाड़ा के जंगल जो हैं जीवों से भरे पड़े हैं। यहाँ आपको हिरन से लेकर सियार, जंगली सुअर, जंगली मुर्गी, कई प्रकार के सांप, कई प्रकार के बर्ड्स, जंग और भालू भी कभी कभी जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप बैलाडीला की तरफ मूव कर जाएंगे तो दो तीन इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जहाँ लेपर्ड भी जो है स्पॉट हुए हैं। एक ज़माना था दोस्तों जब इन जंगलों में बाघ भी थे, लेकिन बाघों के लिए अब ये जंगल उपयुक्त नहीं रह गए हैं, क्योंकि इंसानी आबादी बहुत घनी हो चुकी है। अभी जो दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं जिस बारे में आपसे बात कर रहा था, बांस के जंगल, यहाँ जो बांस के पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों, वो बाकी जगह के बांस के पेड़ों से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ के बांस के पेड़ ज़्यादा कांटे युक्त होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, मीडियम साइज़ होते हैं और कांटे वाले बांस होते हैं। तो कई लोग जो है इसको ख़तरनाक समझते हैं और जंगलों में तकलीफ दे पौधा मान के इसको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है। यही कारण है कि इनकी आबादी बहुत कम हो गई है। स्पॉट हो चुका है वो सांप और हमारे दोस्तों ने उसको देखा है, तो आइए चल के देखते हैं कि कहां पर है वो सांप और क्या कर रहा है वो। दोस्तों फाइनली हमको दिख गया है वो सांप जिसकी तलाश में हम इतने घने जंगल में बहुत देर से भटक रहे थे। उम्मीद है आप पहचान रहे होंगे। ये देखिए, ज़्यादा पास जाएंगे तो ये भागने की कोशिश करेगा। ये इसका लोअर एब्डोमेन से टेल का हिस्सा है और आप टेल देख रहे हैं, पतली लंबी टेल। अगर आप पहचान रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बॉयगा फॉस्टेनी, फॉस्टेन्स कैट स्नेक इस सांप का नाम है। और ये इस तरफ इसका मुंह है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन अगर इसकी बताई जाए तो ये कैट स्नेक की फैमिली में सबसे बड़े कैट स्नेक हैं। इनकी मैक्सिमम लंबाई जो है 7.5 फीट तक हो जाती है। ये अभी एक मीडियम साइज़ में पहुंचा है। अभी ये और ग्रो करेगा। इस जंगल में भरपूर खाना इसके लिए है और इसकी तलाश करते हुए हमको काफ़ी अंदर तक आना पड़ा है। इसकी डाइट में दोस्तों चिड़िया के अंडे, मेंढक, दूसरे छोटे सांप, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और कैट स्नेक इसका नाम क्यों पड़ा है दोस्तों, इसकी कमाल की आँखें आप देखिए, बहुत ही शानदार इसकी आंखें होती हैं बिल्ली की तरह, जिसके कारण इसका नाम कैट स्नेक पड़ा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रियर फैंग्ड होते हैं। इनका जो जहर वाला दांत होता है वो मुंह में काफ़ी पीछे की ओर होता है। हालांकि इनका जहर इंसानों के लिए नुकसानदायक तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं इसीलिए इनकी बाइट को जो है इंसानों को सीरियसली लेना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि कॉमन कैट स्नेक के मुकाबले ये बिहेवियर में थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। अगर इनको परेशान किया जाए तो ये बाइट करने से झिझकते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि माइल्ड जहर होता है और रियर फैंग्ड होते हैं तो वेनम किसी के अंदर डालना इतना आसान नहीं होता इनके लिए। आप ये स्ट्रेंथ देखिए दोस्तों, अपर बॉडी स्ट्रेंथ इसका देखिए, कितनी आसानी से ये पेड़ों में चढ़ जाता है। दोस्तों इनका ठिकाना ऐसे ही पेड़ होते हैं, मीडियम साइज़ पेड़ होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ों में जाना इनको कुछ ख़ास पसंद नहीं होता। हालांकि कुछ पेड़ों के सांपों के मुकाबले ये स्लो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए इस तरीके के पेड़ में इनकी बादशाहत होती है। शानदार कैट स्नेक स्पीशीज बॉयगा फॉस्टेनी, फॉस्टेन्स कैट स्नेक, ये बिल्कुल टॉप में पहुंच के इलाके का मुआयना कर रहा है। दोस्तों इसका कलर देखिए, बिल्कुल चेक्स में पैटर्न है इसके शरीर में, और कलर जो है ब्लैक, वाइट और ग्रे, ये तीन कलर का आपको इसमें मिक्सचर दिखेगा। लेकिन इसके स्पीशीज़ की पहचान, ख़ास पहचान इसकी आंखें हैं जो नहीं बदलती और आपको इसकी अच्छी तरीके से पहचान दे जाती है। दोस्तों इसको करैत बिल्कुल ना समझें और इसे मारने का प्रयास बिल्कुल ना करें। बहुत खूबसूरत ये स्पीशीज़ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।